रवि अब तक लौटा क्यों नहीं है? कहीं वो पंडित जी उसे मिल तो नहीं गए? पुरानी बातें ना बताने लगे, अगर उसने भूल से पूछ लिया तो यहीं पर उसने अपनी विवेका को खोया था, और पंडित जी ने बता दिया कि जानकी माँ को एक लड़की मिली थी, और दोनों उस बारे में बात करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो क्या करूँ? क्या हुआ रवि, पानी लेने गए थे ना, पानी नहीं मिला क्या अंदर? खाली आती आ गए। एक्चुअली पानी तो बहुत है, वो पंडित जी को इस तरह कुछ काम है तो उन्होंने कहा कि तुम चलो पानी लेके आता हूँ, तो बस मैं यहाँ पर आ गया। पंडित जी आ रहे पंडित। अगर ये वही पंडित जी निकले जिन्होंने, नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो वो पंडित जी मुझे पहचान लेंगे, पर रवि को अभी इसी वक्त पता चल जाएगा कि मैं ही देविका हूँ। मैं तो पंडित जी को पहचानती तक नहीं हूँ, अगर इन्होंने मुझे पहचान लिया तो रवि के सामने मेरा राज खुल जाएगा, फिर मैं अपना बदला कैसे ले पाऊंगी? एक बार रवि के सामने अगर मेरी असलियत आ गई तो मेरा सारा प्लान यूं ही धरा का धरा रह जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक साल पहले की औलाद कितनी मनुष्य थी, मैंने अपनी देविका को खो दिया था, कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने उसे। आज फिर से इसी जगह पर आना पड़ा है मुझे, पता नहीं अंबिका क्या चाहती है। इस कार को यहीं आकर खराब होना। ये लीजिए। थैंक यू पंडित जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद पंडित जी। जी गॉड, ये क्यों रोक रहे हैं? एक्चुअली वो क्या कि आप इस मंदिर में इतनी दूर आप अकेले इसकी देखरेख करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा दान देना था। एक मिनट रुकिए, मेरा पर्स देना प्लीज। ये इनकी पत्नी है, लगता है पहले कहीं देखा है इनको। आप जिसका डर था वही हुआ, मुझे पहचान लिया है। ये दिया कैसे बुझ गया? ये अभी तो जलाया था। यहाँ पर तो हवा भी नहीं चल रही, कहीं ये कोई अपशगुन तो नहीं है? कहीं मेरी बच्ची किसी मुसीबत में तो नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले भी कभी इस मंदिर में देखा है। क्या आप पूजा कराने के लिए आई हैं? चेहरा तो जाना पहचाना सा है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने आपको किस अवसर पर देखा है। नहीं तो पंडित जी, मैं यहाँ पर पहले कभी नहीं आई। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है, मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ पर। रवि चलिए, देर हो रही है ना। हाँ भाई, एक सेकंड। पंडित जी आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि आपने मेरी पत्नी को यहाँ पर देखा है? मेरे मतलब ध्यान से देखिए, शायद आपको याद आ जाए कि कहीं आपने पहले कहीं देखा हो। मुझे ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा है। क्या है कि बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है, इंसान को कुछ याद नहीं रहता है। कोशिश कीजिए कि शायद आपने कहीं देखा होगा, कब देखा है, किधर देखा है। अगर आप इतना यकीन से बोल रहे हैं तो आई एम श्योर आपने देखा होगा। रवि,
क्या हो गया तुमको? पंडित जी ने तुम्हारी इतनी हेल्प किया और तुम क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? उनको नहीं याद आ रहा और वैसे भी मैं यहाँ पर कभी नहीं आई। उनको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। क्यों उनका और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? पंडित जी थैंक यू, आपने इतनी हमारी हेल्प की। चलो ना रवि, लेट हो रहे हैं ना। अरे लास्ट टाइम में कोशिश करते हैं। पंडित जी देखिए ना आप। रवि तुम्हें हो क्या गया है? क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? प्लीज चलो, हमें देर हो जाएगी। पंडित जी सॉरी आपको इतनी तकलीफ दी, थैंक यू, हम चलते हैं। रवि चलो। ओके धन्यवाद। याद आया, अब सब कुछ याद आया। एक साल पहले जो लड़की अधमरी सी पानी में बहती हुई आई थी, जिसे जानकी देवी ने अपनी बेटी बना लिया था, आज हूबहू वही लड़की मेरे सामने गाड़ी में बैठी है। और ये आदमी भी ठीक एक साल पहले मुझे मिला था और अपनी पत्नी को खोने के दुख में रो रहा था। देवी माँ की चौखट पर सर पटक रहा था, दुहाई दे रहा था। ये कैसा विचित्र संयोग है। ये चेहरा भी जाना पहचाना सा, वो चेहरा भी पहचाना सा। उस रात जो लड़की पहाड़ी से गिरकर मर गई थी और वो दूसरी लड़की जिसे जानकी देवी ने मौत के मुंह से बचाया था, आखिर उन दोनों में क्या संबंध है? थैंक यू अंबे मां कि आपने मुझे बचा लिया। अगर थोड़ी देर और रुक जाती तो शायद पंडित जी मुझे पहचान ही लेते। पर ये रवि, पता नहीं रवि को क्या हो गया था, उनके पीछे ही पड़ गया था। मिलने को तैयार नहीं था वहाँ से। शुक्र है मैंने उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। दो मिनट पे और रुकना पड़ता तो पंडित जी को सब कुछ याद आ जाता और वो पूरी कहानी बता देती कि जानकी माँ ने मुझे बचाया था, किन हालातों में बचाया था। फिर तो मेरा सारा खेल ही चौपट हो जाता। तुम क्या हुआ? तुमने यहाँ कार क्यों रोक दी? मेन मंदिर तो दूर है ना यहाँ से, और वहाँ जाने के लिए केबल कार। मैंने नेट पर पढ़ा था ये सब। तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे मिली, वरना तुम तो पहली बार आई हो ना यहाँ पर, तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं होगा यहाँ के बारे में। हाँ ऑफ कोर्स, किसी जगह पर आने से पहले उसके बारे में नेट से जानकारी ले लेनी चाहिए, अच्छा रहता है। इसीलिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। अगर बात इन्फॉर्मेशन की है तो मेरी इन्फॉर्मेशन तुमसे ज़्यादा है। ये जो रास्ता तुम देख रही हो ना, शॉर्टकट कि वहाँ से गुजरता हो जाएगा तो जहाँ मेरी दीर्घा के साथ हादसा हुआ और मैंने दीर्घा को खो दिया था। देविका गिरी नहीं थी रवि, उसे निवेदिता ने गिरा दिया था अपने साथियों की मदद से, और उसके साथी में से तुम भी एक थे। ठीक है, अगर यही बात है तो मुझे देखना है ये रास्ता और वो जगह भी देखनी है जहाँ पर देविका का मर्डर हुआ था। हम इसी रास्ते से जाएंगे। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो हम यहाँ से पैदल चलेंगे। ठीक है। ए माता रानी, मेरी बच्ची पर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। वो अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ गई है अपना प्रतिशोध पूरा करने। कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी उसे भेजकर? माता रानी आप उसकी रक्षा करना, ऐसा ना हो कि रवि वे उसे कोई चोट पहुंचा दे, उसे कुछ हो जाए। नहीं नहीं माता रानी, आप प्लीज प्लीज मेरी बच्ची को हर संकट से बचाना, उसके अंग संग सहाय रहना माता रानी। माता रानी आप तो सब कुछ जानती हैं, हालात कैसे उलझे हुए हैं और मैं अपने लाड़ों को कितना प्यार करती हूँ। वो मेरी कितनी लाडली है,
और रवि, रवि भी तो मेरा बेटी समान है। तो माँ, माँ तो अपने दोनों बच्चों को उतना ही प्यार करती है ना, और उतनी फिक्र भी होगी। प्लीज माता रानी, आप उन दोनों को साथ रखना, उन दोनों के साथ कभी कुछ गलत मत होने देना। हाँ, आप मेरे रवि को इंसाफ जरूर दीजिएगा, जो सही है उसी का साथ दीजिएगा, लेकिन रवि अगर निर्दोष है, प्लीज माता रानी, मेरी लाडू के हाथ से उसे कोई सजा मत दिलवाइएगा। और मैं जानती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि रवि कुछ गलत कर ही नहीं सकता। माँ, प्लीज आप उन दोनों के रिश्ते में पड़ी इस गांठ को सुलझा दीजिएगा, उनकी सारी गलतफहमियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दीजिएगा। बस इतने एक माँ पे कृपा कर दीजिएगा, मेरे दोनों बच्चों को सही सलामत रखिएगा माँ।